सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े खड्डे, इस 16 किलोमीटर खस्ता सड़क ने तकरीबन 25,000 लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया हुआ है। नाज़रीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारी रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलावर जम्मू, जहां के मासूम लोगों से विकास के नाम पे वोट तो लिए गए पर मुआवजे में उनको कुछ न मिला, और 2014 के इंतखाबात के दौरान ही इस खस्ता सड़क की बेहतरी के लिए 70 लाख रुपए खर्च करके एक छोटा सा पुल बनाया गया, पर 2014 के इंतखाबी नताइज आते ही सब लीडरान खाबे खरगोश की नींद में सो गए और आम लोग इस तलब में जी रहे हैं कि विकास कब होगा जिसका उनके साथ वादा और दावा किया गया था। बारे में बताना चाहता हूँ कि 12 साल हो गए इसको बने हुए जी, और इतनी बुरी हालत है कि आपने खुद भी देखा होगा और हम तो रोज देख रहे हैं कि खड्डे और गाड़ियों की इतनी ओवरलोडिंग है कि बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, और जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अगर एक गाड़ी मिस हो जाती है तो उनकी पूरी अटेंडेंस मिस हो जाती है। तो मैं यही डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट को यही गुजारिश करता हूँ कि इसको तकरीबन आगे बचाया जाए। जनाब नायब वजीर आला साहब, आप पर तो पूरी रियासत की उम्मीदें टिकी हुई हैं, पर आपके हल्का इंतखाब की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कभी कभार मखमल के फर्श से उतरकर अपने लोगों की खैर खबर भी पूछ लिया करें। बिलावर जम्मू से रोशन पनोत्रा के साथ आबिद सलाम, खबर उर्दू।